ये आपका ठीक है, हालांकि उधर अभी सेंटेंस क्लॉज एंड फ्रेज हुआ ही नहीं है, ये हमारा तो सब कंप्लीट हो गया। प्रीपोजिशन एंड कंजंक्शन आई थिंक यू ऑल नो, आई हैव टॉट यू ऑलरेडी, है ना। प्रीपोजिशन कंजंक्शन पढ़ा चुका हूँ ना मैं। yes, तो एक और चैप्टर लेंगे इसके बाद, एंड दैट इज आपका डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच होगा। चलिए तो आलिया मैम इज गोइंग टू टीच यू, ठीक है। आर यू गोइंग टू रीड, विल बी टेकिंग क्लास, लेना है। चलिए ठीक है, मैं ही ले लेता हूँ। Why the camera is off? I think I can see कि cameras ज़्यादातर off हैं. Have you not bought the dress? Let me see. Rudran's camera is off. Ojas, Tanya, देखो एक भाग गया, दो भाग गया, बाबा देख. See. If you do not want to study, why? हाँ तो क्यों आते हो? अगर जिसको पढ़ना नहीं है वो क्यों आते हैं? जब भागना ही रहता है तो. Why are you coming? You are not doing any kind of charity for me. चैरिटी कर रहे हो क्या? आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन, दो आई हैव द बुक, मेरे पास बुक है, लेकिन मैं सबको शो भी करना चाहता हूँ, तो आप देखिए चैप्टर एंड आई हैव कंप्लीटेड टिल व्हिच पेज, टेल मी पेज नंबर। चैतन्य सर 165, यू हैव टू स्टार्ट एडवर्बियल क्लॉज 165। हाँ बोलो, ये वाला जो है ये हो चुका था, हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था, इसका करेक्शन भी मैंने करवा दिया था ना, डायरी से हो चुका था। अब ये है नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज एडवर्बियल क्लॉज। क्लॉज होने के लिए क्या जरूरी है बताइए, व्हाट इज द मिनिमम क्राइटेरिया टू क्वालिफाई एज अ क्लॉज? नाउन एंड अ फाइनाइट वर्ब। यस, नाउन एंड अ फाइनाइट वर्ब, ठीक है, गुड। और अब कोई चीज मतलब एडवर्बियल है ये कैसे पता चले? क्लॉज होने के लिए तो नाउन एंड फाइनाइट वर्ब होना जरूरी है, मतलब ये क्लॉज का मतलब नाउन एंड फाइनाइट वर्ब होगा, तो हम उसको क्लॉज बोलेंगे। अब एडवर्बियल होने के लिए क्या जरूरी है, व्हाट इज द मिनिमम क्राइटेरिया टू क्वालिफाई एज एडवर्बियल? एडवर्ब को ही, एडवर्ब से ही एडवर्बियल बना है, तो एडवर्ब होने के लिए मिनिमम क्राइटेरिया क्या होना चाहिए? बताओ, एडवर्ब होने के लिए मिनिमम क्राइटेरिया ये होना चाहिए कि उस क्लॉज में जो फाइनाइट वर्ब होता है उसको कोई एक ऐसा वर्ड जो है डिफाइन करता हो, ठीक है। जैसे एडजेक्टिव होने के लिए नाउन को डिफाइन करना पड़ता है, तो वैसे ही एडवर्बियल होने के लिए आपको वर्ब को क्या करना होगा, डिफाइन या मॉडिफाई करना होगा। समझ में आ रहा है एडवर्बियल होने के लिए क्या करना पड़ेगा? वर्ब को ही वो सिर्फ मॉडिफाई करेगा, नहीं, सबऑर्डिनेट क्लॉज के वर्ब को भी वो मॉडिफाई करेगा, ठीक है। एडवर्बियल क्लॉज एक्ट लाइक एन एडवर्ब, कैसा काम करता है, एडवर्ब के तौर पे काम करता है, और उसमें क्या है, आंसरिंग क्वेश्चन। देखिए वो एक और जो उसका मेन काम होता है वो क्वेश्चन का आंसर मतलब देता है, जैसे हाउ, व्हेन, वेयर, व्हाई, टू व्हाट एक्सटेंट एंड अंडर व्हाट कंडीशन, ठीक है। हाउ, कैसे, व्हेन, कब, वेयर, कहाँ, व्हाई, क्यों, टू व्हाट एक्सटेंट, कहाँ तक, एंड अंडर द व्हाट सरकम व्हाट कंडीशन, किस परिस्थिति में। तो ये सारे चीजों का जवाब देता है क्या, एडवर्बियल क्लॉज,
याद रखेंगे. एन एडवर्बियल क्लॉज बिगिंस विथ बिकॉज. अच्छा होल्ड ऑन जस्ट वन सेकेंड, आई थिंक आई हैव नॉट पुट इट इन रिकॉर्डिंग. अच्छा सर रिकॉर्डिंग इज स्टार्टेड. रिकॉर्डिंग स्टार्टेड. So now we will see an adverbial किसके साथ begin, किसके साथ में होता है. So it begins with because, while, as, if, when, although, as, if, after, since, unless. These are the things written in the yellow box. You can read it. अगर समझ में नहीं आता कि इसका मतलब क्या है तो मैं उसको example में explain करूँगा. Like it says कि an adverbial clause, जो adverbial clause होगा उसका शुरुआत किसी से होता है. तो शुरुआत होता है किस चीज से? बिकॉज के साथ में हो सकता है, वाइल के साथ में हो सकता है, एज के साथ हो सकता है. एज सिर्फ अकेला नहीं है, एज यहाँ पे एज है और इफ है, दोनों अलग अलग है, लेकिन यहाँ पे एज और इफ दोनों एक साथ में है. यू कैन सी द एग्जाम्पल. यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर वन दिया हुआ है, ही फिनिश्ड ऑल हिज वर्क, राइट. तो ये हो गया मेन क्लॉज. और उसके बगल में है बिफोर ही वेंट टू स्कूल. नाउ इसको भी क्लॉज बोलेंगे. ये आपका डिपेंडेंट क्लॉज है ना. आप लोग को बताया था, पढ़ाया है मैंने मेन क्लॉज एंड डिपेंडेंट क्लॉज. आई हैव ऑलरेडी टॉट यू. आई बिलीव कि ऑल ऑफ यू रिमेंबर और नॉट. यस यस. तो अब यही आप देखिए यहाँ पे जो स्मार्ट मतलब वर्क करने वाला जो स्टूडेंट होगा तो बोलेगा कि सर ये तो पहले जो हम लोग देखते थे उसमें ये था कि ये इसको हम लोग डिपेंडेंट क्लॉज बोलते थे, अभी इसको हम लोग एडवर्बियल क्लॉज बोल रहे हैं, है ना. यू कैन सी जो स्मार्ट दिमाग चलाने वाला, तेज दिमाग चलाने वाला लड़का होगा वो यही बोलेगा, ठीक है. लेकिन इसमें जो चेंजेस है, सही बात है कि दिस पार्ट इज अर्लियर वी हैव अंडरस्टूड एज अ डिपेंडेंट क्लॉज, बट हियर वी आर considering it as a adverbial clause. But the reason, उसके पीछे जो reason है, एक तो जो इसका condition है कि जो शुरू होगा पहले, ये देखिए, he finished all his work before he went to school. तो उसने क्या किया, इसका जवाब मिल रहा है. तो उसने जो है अपने सारे काम को पहले finish कर लिया, ठीक है. Before he went to school उसने क्या किया, तो यहाँ पे जवाब मिल गया, he finished all his work. दूसरा क्या है, इसका जो starting है वो before से है, यहाँ पे before दिख ही रहा है, ये भी है. नेक्स्ट एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, लता हैज बीन डांसिंग. लता क्या कर रही थी, तो उसका जवाब यहाँ पे मिल रहा, सिंस द पार्टी बिगन. लता हैज बीन डांसिंग सिंस द पार्टी. कब से डांस कर रही थी, तो उसका जवाब मिल रहा है कि जब से पार्टी शुरू हुआ, ठीक है. जब से पार्टी शुरू हुआ तब से वो डांस कर रही थी. तो इन दोनों चीजों में आपको जो देखने को मिलेगा कि मेन क्लॉज जो है इंडिपेंडेंट क्लॉज जो है वो पहले आ रहा है, और उसके बाद वाला जो है वर्ब के बाद आप देखेंगे कि बिफोर सिंस वाइल का भी यूज कर सकते हैं, और ये सारे जो यहाँ पे दिए हुए हैं आपके वर्ड्स उसका यूज करके आप एडवर्बियल क्लॉज बना सकते हैं. नाउ वी यू कैन रीड इन द पॉइंट्स आल्सो. इट सेज एडवर्ब मॉडिफाइज एक्शन वर्ड्स इन अ सेंटेंस. एडवर्ब क्या करता है, वो एक्शन वर्ड को मॉडिफाई करता सेंटेंस में. और एडवर्बियल क्लॉज क्या करता है, एडवर्बियल क्लॉज मॉडिफाई द वर्ब ऑफ द मेन क्लॉज. अब इसका वर्ब कौन सा है, ही फिनिश्ड ऑल हिज वर्क. तो इसका जो वर्ब होगा वो फिनिश्ड होगा, है ना. ये क्या होगा, मेन क्लॉज का वर्ब कौन है, यही होगा ना, फिनिश्ड. फिनिश्ड. हाँ, तो एडवर्बियल क्लॉज जो है मॉडिफाई करता है किसको, मेन क्लॉज को. मेन क्लॉज का जो वर्ब होता है उसको. तो फिनिश्ड क्या किया, तो अपना सारा काम मतलब स्कूल जाने के पहले फिनिश किया. Before he went to school, उसने अपना सारा काम फिनिश कर लिया था. तो ये मॉडिफाई कर रहा है इसको, फिनिश को. कनेक्टेड. Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. You are audible. फिर दूसरा कहता है, just as the placement of an adverb in a sentence is somewhat flexible. कहता है जैसे कि आप लोग एडवर्ब का जो प्लेसमेंट होता है किसी सेंटेंस में वो थोड़ा फ्लेक्सिबल होता है. ये नहीं होता जैसे आप अगर बात करें एडजेक्टिव की तो वो फ्लेक्सिबल बिल्कुल भी नहीं होता है, ठीक है. फ्लेक्सिबल बिल्कुल भी नहीं होता है. रेड शूज, वाइट शर्ट, तो वो बिल्कुल एकदम चिपका हुआ रहता है. इट इज लाइक स्ट्रिंग जो होता है ना,
बच्चे शैतानी करते हैं वो डेस्क में चिपका देते हैं, उससे ज्यादा भी शैतानी करना होता है तो किसी के शर्ट में चिपका देते हैं या किसी के बाल में चिपका देते हैं, वैसे ही एडजेक्टिव जो है चिपका हुआ रहता है, राइट। तो इसमें जो है यहाँ पे उतना ज्यादा ये रिजिड नहीं है, फ्लेक्सिबल है। एंड एडवर्बियल क्लॉज कैन बी प्लेस्ड आइदर बिफोर और द मेन क्लॉज, ठीक है, बिफोर और आफ्टर द मेन क्लॉज। अब एडवर्बियल क्लॉज ऐसा नहीं है कि वो जस्ट मतलब वर्ब के बगल में ही रहेगा, नहीं, ठीक है, वो या तो आपको मेन क्लॉज के पहले भी हो सकता है या अभी यहाँ पे जो हम लोग देख रहे हैं मेन क्लॉज के बाद में है, है ना। तो ये ऐसा नहीं है कि आपने ये पढ़ लिया कि जो सर ने एक्सप्लेन किया था अकॉर्डिंग टू दैट द एडवर्बियल क्लॉज वॉज कमिंग आफ्टर द मेन क्लॉज, इट विल नॉट बी लाइक दैट ऑलवेज, इट विल बी सम टाइम, इट विल कम अर्लियर ऑल्सो एंड इट विल कम आफ्टर ऑल्सो। चलिए अब नेक्स्ट है इसका, लेट्स प्रैक्टिस हम लोग करते हैं डिस्कस। चलिए क्या कहता, आइडेंटिफाई द मेन एंड एडवर्बियल क्लॉज फ्रॉम द सेंटेंसेस, यूज द डिफरेंट कलर्ड पेंसिल पेन्स। चलो ठीक है, हम लोग सर्किल और अंडरलाइन में हम लोग करेंगे, कलर्ड पेंसिल पेन तो नहीं करेंगे, इसको सर्किल और उसमें करेंगे, ठीक है। राइट, ओके सर। चलिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है, वांगड़ी वॉक इन सॉरी वांगड़ी वॉक्स अ माइल एवरी मॉर्निंग बिफोर ही गोज टू स्कूल, ठीक है। तो आपको क्या लग रहा है कि जवाब किसमें मिल रहा है, सर? बिफोर ही गोज टू स्कूल, बिफोर ही गोज टू स्कूल, बिफोर ही गोज टू स्कूल। हाँ, तो क्या करता है, वांगड़ी वॉक्स अ माइल एवरी मॉर्निंग हो गया आपका मेन क्लॉज, ठीक है, एंड बिफोर ही गोज टू स्कूल ये हो गया आपका एडवर्बियल क्लॉज, ठीक है। इज इट डन, करेक्शन करते जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन वी आर टेकिंग, प्लीज टेक सम रेस्ट इफ यू फील टायर्ड। चलिए अब दूसरा हम लोग लेते हैं। नहीं 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 नहीं, ये जो प्लीज टेक सम रेस्ट है ना, फील टायर्ड, ठीक है, आशीष विल कॉल यू व्हेन ही रीचेस होम। सर मेन क्लॉज विल बी आशीष विल कॉल यू एंड द एडवर्बियल क्लॉज विल बी व्हेन ही रीचेस होम। और कोई बताना चाहेगा, एनीवन वांट्स टू आंसर? सर मेन क्लॉज आशीष विल कॉल यू and adverbial when he reaches home. Next question. Let me take the name. बच्चों का नाम दे देंगे। Tanya, Tanya will tell me question number 4 or 5. Tanya. Yes, sir. Question number 5. नहीं, फोर है। शामीम वेट्स एट द बस स्टॉप फॉर हिज सिस्टर एवरी डे आफ्टर स्कूल इज ओवर। और कोई बताना चाहेगा? कैन आई? यस सर। निशांत सर, शमीम वेट्स एट द बस स्टॉप फॉर हिज सिस्टर विल बी द मेन क्लॉज and every day after school is over will be the adverbial clause. Right, very good. So the next question, it will be answered by Janvi. Question number
Jaldi, Janvi, can you tell the answer? Boliye. He came back home before main clause and the movie ended adverbial clause. और कोई he came back home the main clause before the movie ended ad hoc right six number Chaitanya will respond yes sir The main clause will be Meeta can borrow my umbrella in the adverbial if she wants to. If she wants to. Meeta can borrow my umbrella if she wants to. Okay, next. Next will be answered by, let me see, or kon kon hai. Ayush Raj will respond. Ayush Raj and then uske baad Aditya Raj Panjiyal. चलो आयुष राज सेवन नंबर क्वेश्चन आयुष राज क्वेश्चन नंबर सेवन कैन यू आंसर लेट मी नो इफ यू कैन और नॉट आदित्य राज पंजियार आई नो आयुष जवाब नहीं देगा Panjiyar, am I audible? Yes, sir. Yes, sir. आपको जवाब दीजिए. Question number seven. You must stay with us is main clause. When you visit our town is adverbial clause. Right, right. True, correct. Next will be answered by. और किसको बोलूँ? और कोई जवाब देना चाहेगा अपने खुद से बोलो इफ यू वांट टू आंसर अनलेस यू वॉक फास्ट सर कैन आई यस आंसर करो फास्ट Sir, unless you walk fast, main clause, you will miss the bus. Adverbial clause. देखिए इसमें unless you walk fast जो है adverbial clause हो गया and you will miss the bus main clause हो गया ठीक है अभी मैंने पढ़ाया था ना कि adverbial clause पहले भी हो सकता है जरूरी नहीं है कि बाद में ही होगा तो यहाँ पे जो है आपका unless you walk fast adverbial clause है and you will miss the bus आपका main clause है Okay. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है वी नीड टू फिनिश आवर वर्क बिफोर वी ईट सर द मेन सर द मेन नीड टू फिनिश आवर वर्क मेन बिफोर वी ईट इज अ एडवर्बियल बिफोर वी ईट वी नीड टू फिनिश आवर वर्क इज मेन क्लॉज बिफोर वी ईट इज एडवर्बियल नेक्स्ट क्वेश्चन इफ यू नीड एनीथिंग लेट मी नो If you need anything, main clause is adverbial clause. If you need anything, is an adverbial clause. Very good. चलिए तो ये हो गया आपका complete, right? अब क्या है? देखिए इधर खत्म हो गया आपका chapter. अब मुझे बना के भेजो थोड़ा direct indirect speech वाला PDF. Okay, करेंगे नीचे में ये आपका प्रोजेक्ट है और देख लो होमवर्क में आपका पहले मैं देख तो लूं पहले है क्या ये इट सेज कि फॉर्म अ ग्रुप ऑफ 4 to 5 स्टूडेंट्स ईच टेक आउट योर इंग्लिश कोर्स बुक एंड ओपन द फर्स्ट स्टोरी इन द बुक ईच ग्रुप विल आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ फ्रेज एंड क्लॉज वाओ एंड A phrase and clause assigned to them. Make a table, ठीक है, and give below. तो ये सारे बच्चे अपने अपने ग्रुप बनाने की कोई जरूरत नहीं है सिंगल सिंगल करेंगे
ठीक है, देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ मेकिंग अ ग्रुप बिकॉज अभी तो कोविड चल रहा है, आप लोग आ नहीं सकते स्कूल में, तो घर पे ही अकेले कीजिए. मेक अ टेबल एज गिवन बिलो, इस तरीके से टेबल बनाना है आपको, जैसे कौन से पेज नंबर में है. ठीक है, द टाइप्स टू बी असाइंड, नाउन फ्रेज आपको चूज करना है. ठीक है, सेंटेंस एडवर्बियल क्या होता है, ये सब आपको चूज करना है. तो आप अपने एनसीईआरटी बुक का पहला चैप्टर खोलेंगे और उसमें से ये सारी चीजें बताएंगे आप लोग. ठीक है, इज इट क्लियर? ओके सर. तो चलिए अभी से स्टार्ट करते हैं, थोड़ा देखते हैं कुछ बच्चे कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं. और एक बच्चे को मैं असाइन कर देता हूं कि वो मुझे बना के भेजेगा अभी डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का. चैतन्य, सेंड मी डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच. आई हैव सेंडेड वन टाइम. कब भेजा? अभी इनडायरेक्ट स्पीच हो चुका है. डायरेक्ट इनडायरेक्ट. अच्छा, इट इज डन, हो चुका है? यस सर, एग्जाम में भी आया था. यस सर. अरे वाह, अब तो मुझे, आई वॉज क्वाइट वरीड. चलो तो फिर हमारा काम कंप्लीट है, अब हम लोग करेंगे सिर्फ रिवीजन और कुछ नहीं. और किसी को कुछ पूछना होगा तो पूछ सकता है, ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ और सिर्फ रिवीजन ही करेंगे. और कोई टॉपिक अगर बीच में ऐसा लगे कि छूट गया है, नहीं है, तो वी कैन डिस्कस दैट ऑल्सो. ऑलराइट, चलिए तो फिलहाल तो अभी वो वाला प्रोजेक्ट करेंगे, ये वाला जो वर्क मैंने दिया था आपको, ये कीजिए, पहला चैप्टर निकालिए और ये काम करना शुरू कीजिए. राइट, डू इट. आई एम ऑन म्यूट, आपको जो पूछना पूछ सकते हैं, काम करते रहिए अपना.
ऑलराइट गाइस, आई थिंक वी शुड मार्क द अटेंडेंस, उसका जो है बना के आप लोग शाम में भेजेंगे, ठीक है? अभी हम लोग अटेंडेंस बना लेते हैं. अरे स्टूडेंट है मेरा सारा, यस दे आर स्टूडेंट, ये सारा स्टूडेंट है, पुराना बच्चा है, 2007-8-9 का है. तो मैं हमेशा के लिए ऑफ कर दूंगा. आदित्य राज पंजियार, आई देयर प्रेजेंट सर, प्रेजेंट सर. आदित्य राज पंजियार, am I audible? पंजियार प्रेजेंट सर. आयुषवर्धन किशोर, किशोर इज देयर? आयुषवर्धन किशोर. अभिज्ञान मिश्रा, अभिषेक रंजन, आदित्य राज, आदित्य राज इज नॉट देयर. आदित्य राज इज देयर? नो सर, आदित्य राज पंजियार प्रेजेंट. नो नो, नॉट आदित्य राज पंजियार, आई एम सेइंग आदित्य राज ओनली. हमारा तो सबसे पहले बना ना. अमन कुमार, अमीय शेखर, अनमोल रतन, आयुष राज. आयुष राज है? यस सर. ठीक है. चैतन्य प्रकाश, दीपाली कुमारी, दीपाली राज, हर्ष कुमार, हर्ष इज देयर? हर्ष इज देयर? नहीं. जानवी प्रेजेंट सर. हर्ष है? नो सर. हर्ष नहीं है. जानवी प्रेजेंट सर. नैना कुमारी, निलय शर्मा, निलय है? नो सर, निलय नॉट. निलय. उसके बाद है निशांत. प्रेजेंट सर. ओजस, पंकज, प्रियांशु. प्रेजेंट सर. राजलक्ष्मी. रोहित कुमार, रोहित कुमार. रुद्रांश रॉय. सृष्टि कुमारी. सृष्टि कुमारी. शुभंशु. कान्या कुमारी. उत्कर्ष. यज्ञांत. यशवर्धन किशोर. साक्षी. सर यशवर्धन. ओके साक्षी. आर्यन. आर्यन है? आर्यन इज देयर? ऑलराइट गाइस, नाउ आई एम शेयरिंग अटेंडेंस विथ यू ऑल एंड यू कैन मूव फॉर योर ब्रेकफास्ट. विल मीट टुमारो. थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे टू ऑल ऑफ यू. थैंक यू सर. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you.